आज हम बनाएंगे पालक की बिल्कुल फूली फूली और बहुत ही टेस्टी पूरी। ये देखिए, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले एक पैन में हम वाटर लेंगे। जब वाटर बॉयल होने लगे तब इसमें हम पालक को ऐड करेंगे। हमने बिल्कुल ताजे पालक लिए हैं। पैन में ऐड करने के बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट में पालक बिल्कुल बॉयल हो जाएगी। बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे। ये देखिए, अब पालक बिल्कुल अच्छी तरह से बॉयल हो गई। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और पालक को पानी से बाहर निकाल लेंगे। हम पालक को पानी से बाहर निकालते हुए एक बड़े से थाली में ऐसे रखते जाएंगे ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। एक साथ सारे पालक थाली में रख देंगे। थाली में रखने के बाद हल्का ठंडा होने के बाद अब इसे एक मिक्सचर जार में ऐड करेंगे। हमने इसे पूरे तरह से ठंडा नहीं किया है, ये हल्का ही गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। बिना वाटर डाले इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे। अब हम इसका डो बनाएंगे। एक बड़े से बोल में हम लगभग 2 कप गेहूं का आटा लेंगे। हम इसे गेहूं के आटे में बनाएंगे और इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। आप इसके प्लेस पे रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हो। और हम 1 टीस्पून अजवाइन लेंगे। अजवाइन को हम हाथों से ऐसे रगड़ते हुए ऐड करेंगे ताकि पूरी में अजवाइन का एक अच्छा सा फ्लेवर आए। अब इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। और हम 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। और हम लगभग 2 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने से पूरी अंदर से सॉफ्ट रहेगी और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी लगेगी। इन सभी को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम हाथों के हेल्प से बिल्कुल रगड़ रगड़ के मिक्स करेंगे। ये देखिए, ऐसे रगड़ रगड़ के मिक्स करने से सारे इंग्रेडिएंट्स आटे में बिल्कुल अच्छे से मिल जाएंगे। अब हमने जो पालक की प्यूरी बनाई है उसको ऐड कर देंगे। पालक ऐड करने के बाद इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि पालक की प्यूरी पूरे आटे में मिल जाए। मिक्स करने के बाद ये जो मिक्सचर में रह गया था उसको हम पानी में घोलते हुए ऐसे बोल में ऐड करेंगे और इसे आटे में ऐड कर देंगे। इससे हमारा पालक वेस्ट नहीं होगा। इसे बिल्कुल अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके अब इसका डो बनाएंगे। इसको बिल्कुल अच्छे तरह से बाइंड कर लेंगे। बाइंड करने के बाद अब हम थोड़ा थोड़ा करते हुए वाटर ऐड करेंगे और इसे गूथेंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए ही वाटर को ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करते हुए अब हम इसका सॉफ्ट डो बनाएंगे। हमें डो बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं बनाना है। हल्का गूंथने के बाद अब हम लास्ट में वाटर ऐड करके इसको बिल्कुल अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। लगभग हाफ़ मिनट। हाफ़ मिनट में ये बिल्कुल अच्छी तरह से गूंथ जाएगा और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके ऐसे ही ढक के लगभग 10 मिनट्स के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट्स के बाद जब डो बिल्कुल सेट हो जाए तब हम बिल्कुल छोटे से बॉल्स लेंगे डो में से और इसे हाथों के हेल्प से ऐसे रोल करेंगे। हम इसे एक चकले पे ऐसे करते हुए रोल करेंगे। हाथों में हमने हल्का सा फ्लावर डस्ट लगाया है। रोल करने के बाद हल्का सा चिपटा कर लेंगे और ऊपर से चुटकी भर फ्लावर डस्ट ऐसे फैलाएंगे। फैलाने के बाद अब हम बेलन की हेल्प से इसको बेलेंगे। पहले हम 2 बार इस साइड से ऐसे बेलेंगे, फिर इसे मोड़ के फिर से 2 बार ऐसे बेलेंगे। ऐसा करते हुए हमें बेलना है। ऐसा करने से हमारी पूरी बहुत ही अच्छी तरह से फूल जाती है। ये देखिए, हल्का सा फ्लावर डस्ट लगाने के बाद हम फिर से वैसे ही बेलेंगे। हमें जितना बड़ा या जितना छोटा बनाना है हम उतना बना लेंगे। 2-2 बार ऐसे मोड़ते हुए हमें बेलना है। ये देखिए, अब ये बिल्कुल परफेक्टली बेल गया। ये देखिए, हमने इसको इतना मोटा और इतना बड़ा बेला है। ऐसे ही हम सारा बेल बेल के एक प्लेट में रखते जाएंगे और फिर पूरी को फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम ऑयल को चेक करेंगे कि ऑयल बिल्कुल गर्म हो गया है कि नहीं। एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तब इसमें छोटी सी बॉल्स डो की ऐड करेंगे।
अगर बॉल्स तेल के ऊपर आ जा रही हैं तब तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है। तेल को एक बार स्पैचुला की हेल्प से बिल्कुल अच्छी तरह से ऐसे चला लेंगे ताकि तेल पूरा बिल्कुल बराबर गर्म हो जाए। अब इसमें हम पूरी को ऐसे ऐड करेंगे और ऊपर से हम तेल को ऐसे डालते जाएंगे और पूरी तुरंत ही बिल्कुल अच्छे तरह से फूल जाएगी। फूलने के बाद हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद दोनों साइड कुक होने तक फ्राई करेंगे। पूरी डालते समय हमें फ्लेम को हाई रखना है। हाई फ्लेम पे पूरी बहुत ही अच्छी तरह से फूल जाएगी। जब तेल बिल्कुल गर्म रहेगा तब पूरी अच्छे से फूलेगी। अब इसे एक टिश्यू पेपर पे रखते जाएंगे और ऐसे ही हम दूसरी पूरी भी फ्राई करेंगे। कि देखिए हल्का हल्का ऊपर से हम तेल को डालते जाएंगे। हमें इसे बहुत तेजी से पूरी को नहीं टच करना है। फूलने के बाद हल्का फ्राई होने के बाद अब इसे पलट लेंगे। पलट के दोनों साइड बिल्कुल कुक होने तक फ्राई करेंगे और फिर स्पैचुला के हेल्प से किनारों से करते हुए तेल से बाहर निकालेंगे। ये देखिए हमारी पूरी कितनी बढ़िया बनी है। हम इसे स्ट्रेनर के हेल्प से बाहर निकाल लेंगे। ऐसे ही हम सारी पूरी तल लेंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे। आप इसे चटनी, सब्जी या किसी भी रेसिपी के साथ सर्व कर सकते हैं। हमारी पालक पूरी तैयार है। आगे हम आपको इसको तोड़ के दिखाते हैं कि कितनी बढ़िया बनी है। देखने में क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखिए कितनी बढ़िया है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। और हमारे अगले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।